तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हम जा रहे हैं वली में, तो मेरे मम्मी के जो दोस्त हैं उनके मतलब भाई नहीं रिश्ते में ही है उनका वलीमा है। तो हम लोग को दावत मिल गई, तो मम्मी बोलते चलो हम लोग चले जाते। तो अभी अब्बा तो आ रहे नहीं थे, तो अब्बा को हम लोग ने जस्ट मोमेंट में बोले 9 बजे बोले अब्बा को चलते क्या तुम, तो अब्बा ने बोले कि हाँ चलो चलते हो, तुम लोग इतना बोल रहे। तो जब भी उनका मन था वो मना करते जानबूझ के, जब हम लोग ज्यादा जिद करते चलो तुम लोग बोलते तो चले जाते हो ऐसा बोल दे, तो 10 मिनट में इतना अच्छा तैयार कैसा रेडी हो बता। तो मैं बताऊं मम्मी जरा पीछे तो बताना मेरा लुक कैसा है। हाँ अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और शाज़े बाहर गया है जरा, वो भी रेडी हो गया है, वो अपने फ्रेंड लोग के पास है। तो मम्मी भी रेडी हो रहे, सब रेडी हो गए। और हम लोग के साथ पूनेना नहीं आ रही है। उन्हें ना गाइस बहुत सताती है शादी में, ना ही कुछ खाती है ना ही कुछ करती, सीधा सिर्फ घूमते ही रहती है, बस सिर्फ घूमते रहते, ना ही कुछ खाती ना ही कुछ पीती ना ही सताते रहते, बस सीधा सीधा घूमते ही रहती है। इसके लिए मम्मी को तंग आ जाते हैं। हम लोग ने 3-4 टाइम लेके जा चुके उसको, लेकिन नहीं खाती नहीं। तो इस बार मम्मी ने बोला अपन उसको छोड़ते हैं मेरे आंटी के घर, फिर अपन जाते। तो सीधा हम लोग आपको उधर मिलते, चलो गाइस अब्बा के साथ आऊंगा। तुम जाओ, तुम अकेले कैसे गए? अच्छा है माशाल्लाह, सब चीजें डेकोरेशन तो बहुत अच्छा है। गाड़ी तो देखो, ऑडी स्कोडा बीएमडब्ल्यू। थोड़ा सा वीडियो भी बना रहे हैं। शादी शादी की तरह ना, अभी आप के साथ खेल रहे नवाब मलिक। अच्छा नवाब मलिक जा रहे हैं। हाँ नहीं मैं देखी नहीं, वहाँ पर खाने का सिस्टम रखा हुआ है और यहाँ पर ये सब है। वहाँ दूल्हा दुल्हन है, यहाँ दूल्हा दुल्हन है। यहाँ पर ये सब है, यहाँ पर सी फूड है, बारबेक्यू। ये थी एंट्री, और उधर जो है दूल्हा दुल्हन बैठे स्टेज पे, और इधर जो है खाना चालू है। और काफ़ी चीज़ें हैं कि मैं बता नहीं सकती, इतनी सारी माशाल्लाह चीज़ें थी। अब हो गया है खाना पीना, अब जाने की हमारी तैयारी होती है। शाज़े भी दराओ। लास्ट में यहाँ का जो काउंटर है वो है यहाँ पे। मतलब कैसा है, सादा मीठा दोनों है क्या? तो मुझे सादा ही मतलब मीठा लगा, मीठा पान लगा। इधर आओ, सादा है ये मीठा, ये मीठा है ना, उनका लंगर वाला है। ये सादा वाला है ना, यहाँ पर सारे। तो गाइज आ गए हम लोग शादी से, और माशाल्लाह बहुत अच्छी शादी रही। मैंने आप लोगों को बताई हूँ कि मतलब वहाँ पर माशाल्लाह इतनी सारी पब्लिक भी थी, और इतना खाना था कि मेरे लिए वो सब चीज़ों को कैप्चर करना ना ज़रा मुश्किल हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे ना, तो मुझे ना सब लेकर बताने ज़रा थोड़ा सा शर्म आ रही थी। जो भी मैंने आपको बता सकी वो मैंने बताई आप लोगों को, कि मतलब उसमें वहाँ पर क्या था। माशाल्लाह सी फूड से लेके हर एक चीज़ आजकल मतलब बड़े लोग ये सब चीज़ें रखते ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह बहुत अच्छी शादी हुई, जोड़ी भी अच्छी थी। मैं वहाँ तक नहीं जा पाई क्योंकि वहाँ पर मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था, ज़्यादा थोड़ा दूर था वो फंक्शन का जो स्टेज था ना, शादी का स्टेज थोड़ा दूर था, तो मैं वहाँ पर नहीं जा पाई। लेकिन मैं कैसा है कि उसकी चाची के
रिश्ते पे गई थी, तो मुझे उन लोगों से मिलना थोड़ा शर्म आ रहा था। मैं इसकी चाची से मिली जिसके थ्रू मैं गई थी, शादी की दावत मिली थी मुझे। मैं वहाँ गई और अपने फ्रेंड के साथ फिर टाइम स्पेंड करी वहाँ पर, हम लोग मतलब थोड़ा सा इंजॉय करे वहाँ पर। और मैं फिर मतलब जो जो ब्लॉग बन सका मैं आप लोगों को बताने के लिए वो बनाई मैं वहाँ पर। और फिर हम लोग आते आते टाइम हो गया, आई मैं, और वहाँ हुनैना को मैं लेकर नहीं गई थी। और अच्छा हुआ मैं लेकर नहीं गई थी, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ जाती ना तो गाइस सिर्फ ठंडा पीती और आइसक्रीम खाती, और वो यही काम करती और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती। और अब एग्ज़ाम का टाइम है तो मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहती थी, तो इसलिए फिर उसको मैं नहीं लेकर गई। और अभी आई हूँ मैं, इसको घर पे लेकर आ गई हूँ, और अभी बस सोने की तैयारी है इंशाल्लाह। बस इसकी इसी तरीके से दिन गुजर गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा टाइम गया हम लोगों का, अच्छा सब कुछ हुआ। अचानक की शादी की दावत आ गई, लेकिन अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग इंजॉय कर आए। तो गाइज़ आज का ब्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह अच्छे से ब्लॉग के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।